मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं। ये थे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनका 21 डे का हंगर स्ट्राइक ट्यूसडे को खत्म हुआ। वांगचुक का डिमांड है लद्दाख के लिए स्टेटहुड एंड इट्स इंक्लूजन्स इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वांगचुक के इस कॉज को ले एपिक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी सपोर्ट कर रहे हैं। लद्दाख के स्टेटहुड के डिमांड को लेकर इस साल 3 फरवरी को ले एपिक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कंप्लीट शटडाउन कॉल किया था, जिसके सपोर्ट में हजारों लोग लेह की सड़कों पर उतर गए थे। वांगचुक के हंगर स्ट्राइक से पहले इन बॉडीज के लीडर्स और होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग भी हुई थी। लद्दाख के लीडर्स ने गवर्नमेंट के सामने 4 डिमांड रखे थे। पहला था स्टेटहुड फॉर लद्दाख, सेकंड वाज इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वाज सेटिंग अप ऑफ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख एंड फोर्थ वाज 2 पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर लद्दाख। बट गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत फेल हो गई, जिसके बाद वांगचुक फास्ट पे बैठ गए। तो आखिर क्या है 6th शेड्यूल, क्यों वांगचुक और दूसरे लीडर्स लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और क्यों गवर्नमेंट इनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रही है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था, तब यहाँ के लोग काफी खुश थे। दिल्ली और पांडिचेरी की तरह उन्हें भी लगा था कि लद्दाख की अपनी असेंबली होगी और इस मूव से उनके लैंड एंड लाइवलीहुड को प्रोटेक्शन मिलेगा। बट जल्द ही उन्हें पता चल गया कि लद्दाख विल बी अ यूनियन टेरिटरी विदाउट इट्स ओन असेंबली और उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर के अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे। 2019 से पहले जब लद्दाख कश्मीर का पार्ट था, तब इस रीजन को लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी थी, वो गवर्न करती थी। बट 2019 के बाद से ये रीजन न्यू दिल्ली के डायरेक्ट रूल के अंडर है। मतलब यहाँ के करीब 3 लाख लोगों का यहाँ के गवर्नेंस में कोई से नहीं है और अपने जॉब, लैंड एंड डेमोग्राफी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ के लोग स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं। रिसेंटली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ऑफ लद्दाख ने जो यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, उसमें लिखा था कि लद्दाख की रिच हिस्ट्री, यहाँ की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड इसकी नॉर्थ ईस्ट के साथ सिमिलैरिटी जैसे कई रीजन है जिसके लिए लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए। अगर एरिया की बात करें तो लद्दाख का एरिया करीब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि गोवा से बहुत ज्यादा है। बट गोवा को 1987 में स्टेटहुड ग्रांट हो गया था, तो लद्दाख को क्यों नहीं मिल रहा? बट गवर्नमेंट ने अब तक इस डिमांड पे कोई अश्योरेंस नहीं दिया है। 6th शेड्यूल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के अंडर आता है, वो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोगों के राइट एंड कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है और कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह लद्दाख में भी ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया को इलेक्टेड ऑटोनोमस काउंसिल से एडमिनिस्टर करने की परमिशन देता है। जैसा मैंने पहले बताया कि लद्दाख एक यूटी है विदाउट इट्स ओन असेंबली, तो अगर ये 6th शेड्यूल में शामिल हो जाता है तो वहाँ इलेक्टेड बॉडीज यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल को पावर मिल जाएगा टू एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज। इससे वहाँ के काउंसिल्स को पावर मिलेगा टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस एंड टाउन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स एंड सोशल कस्टम। इसके अलावा टैक्स इम्पोज करना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, रॉयल्टीज कलेक्ट करना, ऐसे भी पावर्स इन काउंसिल को मिलेंगे। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बुद्धिस्ट डोमिनेटेड ले और मुस्लिम मेजोरिटी वाली कारगिल, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों में रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइन पे काफी डिफरेंसेस हैं। बट 6th शेड्यूल के डिमांड ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यूनाइट कर दिया है। इंसिडेंटली बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में लद्दाख इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल को प्रॉमिस किया था। लद्दाख रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज की मीटिंग में अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि गवर्नमेंट के लिए लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि शाह ने उनसे यह भी कहा था कि उनके जॉब्स, लैंड एंड कल्चरल रिलेटेड सारे कंसर्न को गवर्नमेंट एड्रेस करेगी थ्रू अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रही है? एक्सपर्ट से समझते हैं इस बात को। You see what happens is that a general assurance that yes, we will consider is very different from a very specific statement that is made. So I'm not sure whether a specific statement was made that we will amend the 6th schedule to incorporate Ladakh into that. I'm not aware of this. Ab iske aur bhi bade implication hai. Dekhiye, ek to ye bhi hai ki Ladakh is a top security area. There is the LAC, LOC, dono issues hain. It's a complication because it is not a very normal border. It's a border with because of the fact that Pakistan has given away some of our territory to China. But then also let us understand ki border areas ki administration hamesha se baki areas ki administration se thoda fark hoti hai.
अब देखिए बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन भी बढ़ रही है, उसमें पंजाब ने भी प्रोटेस्ट किया, बीएसएफ ने भी प्रोटेस्ट किया। अगर हम इसको देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पंजाब, तो पंजाब कैन हैव इट्स इशू, बंगाल कैन हैव इट्स इशू, असम कैन हैव इट्स इशू, बट इफ यू लुक एट नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, तो फिर बॉर्डर एरियाज में एमएचए का जो कंट्रोल है वो भी वाजिब लगता है। Way forward is the amendment in the Kargil and Ladakh Autonomous Councils Act, because uske andar na to hame 6th schedule ko disturb karna hai, na hame 371 ko disturb karna hai, because uske liye phir, you know, because what will happen is ki iske और बड़े इम्प्लीकेट जो सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने अपनी मेरी एक किताब है वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, उससे मैंने आर्गू किया कि एक जब आप एक कंसेशन देते हैं तो उसके बाद वो एक प्रेसिडेंट बनता है। जैसे अब टेक द केस ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा, अब एक बार जब ये डिसीशन हो गया कि एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट मतलब तेलुगु स्टेट के भी दो राज्य हो सकते हैं, तो उसके बाद में विदर्भ का इशू भी आएगा, इसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जब भी हम कोई भी 371 में अगर अमेंडमेंट करेंगे तो फिर उत्तराखंड भी लाइन में खड़ा है अमेंडमेंट के लिए, तो बहुत सारी चीजें ये आ जाती हैं। तो जब होम मिनिस्ट्री कोई भी चीज डिसाइड करती है तो होम मिनिस्ट्री लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम मेनी 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 पर्सपेक्टिव्स, सो वी हैव टू लुक एट दिस थिंग नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लद्दाख, वी हैव टू लुक एट इट from the perspective of the security of India, from the perspective of migration, from the perspective of how demographic changes are taking place. अब दूसरी जो उनकी डिमांड है वो दो सीटों की डिमांड है कि उसमें हो जाए उसमें भी हो जाए। देखिए ऑलरेडी अब लक्षद्वीप का एग्जाम्पल रिलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि लक्षद्वीप एक आइसोलेटेड एरिया है, मतलब उसमें सारे आइलैंड्स को मिलके एक बन जाता है, लेकिन अब अगर अगर इतने कम इलेक्टर्स पे एक एक एमपी होना शुरू हो जाए तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज यू नो दी कहीं कहीं तो हमारे हमारे जो इलेक्ट्रल जो जो एमपीएस कई जगह तो करोड़ों में है, और फिर आप 1 लाख से नीचे करेंगे तो थोड़ा एक समस्या, उसमें भी एक पैरिटी तो आनी लानी पड़ेगी ना हर चीज में। Well, that's all for now. If you like this video, share it with friends and family and don't forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.